अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ से मैं अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। इवनिंग का टाइम है, बच्चों के लिए छोटी मोटी भूख के लिए बना रही हूँ ओरियो कुकीज़ केक। तो देख लीजिए, आप भी कुछ उतना ज़्यादा मैंने ये नहीं बनाई हूँ, फिर भी आप देख लीजिए। तो इसमें ओरियो कुकी, शक्कर और दूध कुछ भी निकल जाता है, कभी जबान है फिसल जाती है। तो और इसमें मैं थोड़ा सा बेकिंग सोडा ऐड कर दे रही हूँ, और इनो ऐड कर देंगे इसमें, और एक बार अच्छे से मिक्सी में घुमा लेंगे हम इसे, और बिल्कुल झटपट बन जाता है 10 से 15 मिनट में। और इसको पैन में बना रही हूँ मैं। तो अभी मेरा आप जुगाड़ू एक उपाय देखना मैंने इसमें पैन में देखिए घी लगाई हूँ, और घी के बाद मैंने इसमें बटर पेपर नहीं था तो सिंपली पेपर जो होता है ना वो रख दिया है, क्योंकि हम लेडीज़ लोग तो कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं अपने घर में, जुगाड़ू उपाय हमारे माइंड में कुछ ना कुछ यानी रहते ये तो हम लगा ही लेते हैं, यानी अपनी चीज़ों को बराबर प्रॉपर तरीके से कर ही लेते हैं हम, कहने का मतलब यही है। तो देखिए हमारा ये पेपर लग गया, इसके ऊपर बस मैं बैटर ऐड कर दूँगी सारा ही केक का जो रेडी किए हमने। और हाँ, जो माननीय इंडियन ब्लॉगर, कल उनका वीडियो आया था कि उनका बेबी लॉस्ट हो गया, बेबी बॉय हुआ था उनको, और उनका बेबी यानी जो लंग्स की यानी नली में, सांस लेने की नली में उसको कुछ प्रॉब्लम थी, इस वजह से उनका बेबी ये हो गया है। बहुत बुरा लगा और सभी को बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था, मुझे भी था, और मुझे तो इतना बेकार लगा सुनकर कि अल्लाह ये कैसा हो गया। बट इसमें भी अल्लाह की ही कोई मर्ज़ी होंगी, और मान्य जी ऐसे समय पर आप बिल्कुल बहुत हिम्मत से रहे, सब्र करें, अल्लाह ताला आपको इसको और अच्छा फल देगा, यानी आप सब्र करोगे तो। और वैसे भी जो कहते हैं, जो बच्चा ऐसा यानी गुजर जाता है तो वो माँ बाप के लिए एक दर्जा बुलंद कर देता है जन्नत में, जब तक के वो दाखिल नहीं होता है अल्लाह ताला से गुजारिश करता है कि मेरे माँ बाप को पहले जाने दिया जाए फिर मैं जाता हूँ, ऐसे हमारे बड़े कहते हैं, और ये सच भी है बात। तो आप बिल्कुल सब्र करें, अपना ध्यान रखें, और उनके लिए सभी दुआ करें व्यूअर्स। तो देख सकते हैं 15 मिनट के बाद हमारा केक बनकर रेडी है। अब इसको जैसे भी अपने को यानी गार्निशिंग करना, डेकोरेट करना है वो अपने ऊपर है। तो देखिए लीड में कुछ भी नहीं लगा है, तो ये हमारा केक बनकर रेडी है। तो बहुत ही बुरा लगा ये न्यूज़ सुनकर, बस ऐसे दुख के समय में अल्लाह ताला उनको सब्र दे, माननीय इंडियन ब्लॉगर देखो। और वो हमारे नागपुर सिटी से ही है, यानी हम नागपुर में ही रहते हैं, मैं भी रहती हूँ, वो भी वहीं हमारे सिटी में ही रहते हैं। तो यहाँ मैं अपने लिए बना रही हूँ इंस्टेंट सफोला मसाला ओट्स। तो होता है कभी कभी शाम की भूख में थोड़ा इच्छा होती है तो ऐसे भी ले लेती हूँ मैं। तो बच्चों का केक तो बन गया था, तो आप सभी से मैं गुजारिश करती हूँ कि आप उनके लिए बहुत दुआ करें। और मान्य जी, आप मेरा ये वीडियो देख रही है तो आप बिल्कुल सब्र करें, और हम सब आपके साथ हैं इस दुखी घड़ी में, और हम सब आपके लिए दुआ करते हैं कि आपका और अच्छे से अच्छा अल्लाह ताला समय ये निकाल दे और आपको अच्छे से रखे, सलामत रखे। ये देखिए यहाँ पर बच्चे भी खेल रहे हैं, मैं उनको दिखाती हूँ आप सभी को। तो इवनिंग का टाइम है, अभी तो मौसम भी बहुत काफ़ी ये चल रहा है, उमस वाली बहुत बेकार गर्मी हो रही है, किचन में तो हमारा बहुत बुरा हाल हो रहा है लेडीज़ लोगों का। और यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, और हमारे नागपुर से ही मान्या जी है, मैं भी नागपुर से ही हूँ अगर आप जानना चाहते हैं तो बस उनके लिए दुआ करें, मैं यही कहूँगी आपसे। और जिसमें अल्लाह ताला की मर्ज़ी होती है तो आगे फिर उससे भी बेहतर, यानी उनके लिए और कुछ लिखा होगा तो बस इस पे ही यकीन करती हूँ मैं तो। और उनके लिए बहुत बहुत दुआ की गुजारिश है, सभी करिए मिलकर। तो देख सकते हैं बच्चे कहाँ कहाँ खेल रहे हैं, बड़े छोटे उनसे छोटे इस तरह से शाम का टाइम है हमारे इधर का, तो आपने देख ही लिए है, काफ़ी खुला खुला यानी है हमारे साइड, ग्रीनरी काफ़ी ज़्यादा है, हरियाली। तो मैं भी थोड़ा सा आप सभी को दिखा दे रही हूँ, बच्चे लोग जैसा खेल रहे हैं तो आप भी इंजॉय कर लीजिए और आगे वीडियो को फुल वॉच करें। और हाँ, जो यहाँ फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, और आप मुझे अपना कमेंट ज़रूर करिए कि जिससे मुझे भी ऐसा लगे कि मेरा वीडियो आप सभी वॉच करते हैं। मैं ये बात हमेशा कहती हूँ आप सभी से, तो मुझे अपना वैल्यूएबल फीडबैक ज़रूर दें आप सभी वीडियो पूरा देखकर, और जो भी पूछना है आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं मेरे से। और यहाँ देखिए हमारा ये ग्रीन जो पर्दा हमने लगाए हैं ये निकल जाता है, हवा इतनी ज़ोर से चलती है और खुली खुली जगह है तो बहुत ज़्यादा ही तूफ़ान मतलब आते ही रहता है यहाँ, तो आप समझ सकते हैं। तो बस ऐसे ही चलते रहता है,
अरे देखिए बच्चों की मस्ती। तीन कैटेगरी के बच्चे अलग अलग खेल रहे हैं, हाँ मीडियम और उससे बीच के और बड़े। चलिए अब अंदर चलते हैं। तो डिनर में मैं बना रही हूँ फ़िश करी, इन्होंने ला लिए थे तो मैं सोची चलो आप सभी से रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ। तो इसमें मैं पानी और विनेगर ऐड करके रख दूँगी इसको, जितना भी यानी विनेगर से क्या होता है रेड जो होता है अच्छी तरह से साफ़ हो जाता है, यानी फ़िश में का जो भी रहता है स्मेल वगैरह ब्लड वगैरह। तो देखिए मैं यहाँ पॉट में 2 से 3 प्याज 2 टमाटर ऐड करके इसको पहले अच्छी तरह से पीस लूँगी। और अभी ना प्याज बहुत अंदर से सड़ी सड़ी यानी आ रही है, बेकार आ रही है, तो इस तरह से बस सिंपल सी यानी केरला स्टाइल फ़िश करी है। तो आप देखते रहे फुल वीडियो, आगे तक रेसिपी आपको समझ में आ जाएंगी कैसे बनाना है। एकदम सिंपल ही है, बहुत ज़्यादा यानी ये नहीं है रेसिपी, तो देखते रहो, खाने में उतनी ही टेस्टी बनती है। तो इस तरह से पॉट में ऐड कर दूँगी मैं टमाटर, रफली चॉप करना क्योंकि पीसना है ऑलरेडी हमें, तो इससे तो मैं ऐसे ही बड़ा बड़ा काट लेती हूँ और टाइम की भी जो है बचत हो जाती है, साथों साथ जल्दी हो जाता है काम। तो इस तरह तो अच्छे से एक बार ऊपर नीचे कर देंगे हम सारी ही फ़िश को कि ताकि इसका सारा ही रेड पन्ना निकल जाए और फिश हमारी अच्छी तरह से क्लीन हो जाए। और देख सकते हैं आप यहाँ पर मैंने एक पैन रख दिया है, उसमें मैंने ऑयल ऐड कर दिया। और जो फ़िश है ना इसका नाम तो मुझे नहीं पता है, बट ये थोड़ी सी ऑयली होती है, चिकनाहट ज़्यादा रहती मतलब इसमें, तो मैंने इसमें राई डाल दी हूँ तेल में, गर्म हो गया तो राई चटकने देंगे हम। और इसमें थोड़ी सी करी लीव्स ऐड करेंगे, ये केरला स्टाइल है तो इसमें राई एंड करी लीव्स, इमली, ये सब कुछ जाता है, मेथी दाना। तो मेथी दाना तो मेरे पास नहीं था तो मैं इस तरह से बना रही हूँ। हरी मिर्च ऐड कर दी 2 से 3, और जो मैंने टमाटर और प्याज का पेस्ट पीस के रखी थी वो ऐड कर दूँगी, देख सकते हैं आप। और अच्छे से एक बार मिला लेंगे, बहुत ही सिंपल और टेस्टी रेसिपी बनती है इस तरह से फ़िश करी की। आप ज़रूर बनाएं और मेरे साथ अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें। तो अच्छे से पकने देंगे मसालों को सारे ही, और अब इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे, थोड़ा सा जमाने बीच बीच में थोड़ी सी अटक जाती है। तो देख सकते हैं आप 2 टीस्पून के लगभग मैंने ऐड की हूँ इसमें जिंजर गार्लिक अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसको भी अच्छी तरह से चला लेंगे। और अब मैं इसमें टर्मरिक पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा खाते तो मसाले कम ज़्यादा कर सकते हैं, और इन्हें भी अच्छी तरह से चला लेंगे, एक बार मिला लेंगे मसालों में सारे ही। और मसाले का थोड़ा कच्चापन आ जाने तक कि हमें अच्छे से भून लेना है, थोड़ा ऑयल छूट जाना चाहिए साइड से। तो भुनाई अच्छे से करें मसाले की बिल्कुल, और आप चाहे तो नारियल, इमली, बाकी के जो चीज़ें हैं वो भी ऐड कर सकते हैं, बट मैं इस तरह से सिंपल तरीके से बनाती हूँ और बहुत ही टेस्टी बनती है ये जो फ़िश करी है। और इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड कर दूँगी मैं, और अच्छे से बस भुनाई कर लेंगे मसाले की। मेरा ये मानना है मसाले की जितनी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे यानी कच्चापना चले जाता है तो सब्ज़ी जो है उतनी ही टेस्टी बनती है। और उधर एक साइड पे मैंने चावल भी चढ़ा दी हूँ क्योंकि फ़िश करी के साथ हमारे घर चावल ही खाते हैं ज़्यादातर। तो देख सकते हैं आप थोड़ा ऑयल रिलीज़ हो गया है साइड से, यानी मसालों ने थोड़ा थोड़ा तेल छोड़ दिया है। तो फिर मैं इसमें और थोड़ा चम्मच चला रही हूँ, और मुझे तो अच्छे से भुना मसाला चाहिए जो भी मैं सब्ज़ी बनाऊँ। तो इसमें मैं यहाँ अब नमक डाल दे रही हूँ अपने टेस्ट के हिसाब से, नमक ऐड करके और थोड़ा सा हम पका लेंगे। तो प्याज जल्दी पक जाती है, मसाले जल्दी पक जाते हैं, मतलब नमक पहले ऐड कर दो। तो सिंपल सा डिनर है, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखिए फ़िश को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर ली हूँ, देख सकते हैं। और अब इसमें ऐड कर देंगे हम मसाले में फ़िश को, और अच्छे से 1-2 मिनट हम यानी मसालों में ही पकने देंगे। और उसके बाद में हम इसमें अपने हिसाब से मतलब जितना आपको ग्रेवी चाहिए या जैसा भी मतलब रसा चाहिए जो सालन, तो उस हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए अच्छे तरह से मैं इसको सारे ही मसाले में कोट कर ले रही हूँ फ़िश को, और अच्छे से 2 से 3 मिनट हम भुनाई करेंगे मसाले में ही फ़िश की। मैंने मीडियम फ्लेम कर दी हूँ, लो टू मीडियम। तो बस इस तरह से अच्छे से भुनाई कर लेंगे, और उसके बाद में इसमें पानी
शामिल कर देंगे, ऐड कर देंगे अपने हिसाब से, जितना भी आपको सालन चाहिए या ग्रेवी चाहिए उसके यानी अकॉर्डिंग ही आप रख सकते हैं। तो इस तरह से और अब ढककर हम बिल्कुल 10 से 15 मिनट पकने देंगे, क्योंकि फिश बहुत जल्दी गल जाती है, नहीं तो चूरा होने का डर रहता है ज़्यादा ओवर कुक कर दो तो। तो देख सकते हैं आप, मैंने इस तरह से इसका सालन रखा है, क्योंकि मुझे राइस के साथ हमें खाना है तो थोड़ा सालन वाली है। फ़िश करी है तो ये केरला स्टाइल फ़िश करी है तो थोड़ा सा सालन ही रहता है। डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में बनती है हालांकि हर जगह, और हमारे यहाँ इस तरह से बनती है, और हमारे यहाँ बनने का भी एक रीज़न है जो कि कभी और कभी मैं वीडियो में शेयर करूँगी आपसे, जो कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएंगी अभी। तो देख सकते हैं आप, 10-15 मिनट के बाद मैंने इसको पकने के बाद मैं गैस बंद कर दी थी, और मैं आपको फाइनल लुक बता रही हूँ हमारी फ़िश करी का, तो कितनी बढ़िया दिख रही है, लाजवाब। खाने में भी यही बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, तो इस तरह से आप सब ज़रूर बनाएं, और प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करें। तो देख सकते हैं आप, हमारी फ़िश करी रेडी है। इसके आगे सूट करने की मेरी इच्छा नहीं थी, यानी फिर मेरा मूड नहीं हुआ, तो बस इतना ही सूट करी हूँ मैंने। तो आप सभी ज़रूर अपनी दुआओं में मान्या जी को याद रखें, उनकी फैमिली को और हमें भी, और अपना ध्यान रखें। और मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, और मुझे कमेंट ज़रूर करें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह। तो अपनी दुआओं में याद रखें, बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।